अरे अर्जुन भाई क्या हो गया, क्यों सो रहे हो? अरे भाई ये हो गया। अरे यार वहाँ फ्रांसिस हो गया सर। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू यार, आपकी बात सही निकली, जोशुआ ने कर दिया सर। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, वो तो होना ही था एटलीस्ट, है ना जी। खेल खेल का फर्क है जी। ये एमएमए खेलता अगर जोशुआ तो ये फिटता। बिल्कुल सर, यहाँ पे वही चीज है, बॉक्सिंग है ना एटलीस्ट। लेकिन सर आपकी चीज मैंने कल नोटिस करी घर जाके, वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो आपके हैं, आप इन स्पोर्ट्स में 20-25 साल से हैं सर। हाँ हाँ, 30 ईयर्स हो गया आपको। सही है। और आपकी जो प्रेडिक्शन थी ना सर, 6 राउंड के अंदर लॉकडाउन होना है, नॉकआउट होना है। एग्जैक्टली सर। बट सर मैं थोड़ा उसमें बैट लगाई थी सर, लेकिन आपका पॉइंट सही था सर। लेकिन पता क्या, मैं थोड़ा सा क्या था कि जिस हिसाब से जो है मैं इनकी क्लिप्स देख रहा था, ट्रेनिंग क्लिप्स, और मैं देख रहा था कि इसने जैसे करीबन 6 राउंड पूरी बाउट खेली थी जी सर, तो मुझे उससे इसलिए मैं 5 राउंड मान गया था। लेकिन बंदे ने जो है क्या बोलते हैं, जोशुआ ने उसको, मैं बताया ना वो बहुत लंबा, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल तो यार उसको कितना एक्सपीरियंस होगा, बहुत मैं सोच नहीं सकता ये बात है ना, हमारी सोच से कितने ऊपर सोच है। उस बंदे ने जहां जो है उसको बॉडी से बार बार मैं बाउट में देख रहा था, बॉडी से फेंट कर रहा था, देन पंचिंग कर रहा था और लॉन्ग रेंज पे रख रहा था उसको। उसको पता है कि सामने वाला खिलाड़ी कुल मिला के बॉक्सिंग में नाड़ी है। वो बॉक्सिंग में नाड़ी है, और नाड़ी के साथ क्या होगा, अगर आप भिड़ोगे तो कुछ भी पंच हमको कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं देखा जोशुआ जो है ना उसको बॉडी फेंट कर रहा था, देन पंच मार रहा था पीछे, लॉन्ग रेंज रख। और सर वही चीज कनेक्ट हुई यार, एग्जैक्ट वही चीज कनेक्ट हुई। और सर एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आप जो बात करें इस बात में चीज ऐड करना चाहूंगा मैं जी। फ्रांसिस की जो बॉडी थी बहुत स्टिफ थी, उसकी जो हेड था सेंटर लाइन में था, मूवमेंट नहीं था, सेंटर लाइन में था सर, वो लैंड होना ही था एक्चुअली। जाना मैं बॉक्सिंग में क्या है कि मैं बताया था आपको, हमारे जो हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है जी, और इसमें क्या है कि पंच एक बार नहीं लगता, पंच लगते रहते हैं। और एमएमए में इसका उल्टा, अगर एक बार कनेक्ट होता है आदमी उठता नहीं, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट है, उसके ग्लव्स हैं, उसकी थिकनेस कम होती है और नॉकआउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। कमजोर आदमी अगर ठीक ठाक कनेक्ट कर दे, जॉ पे कनेक्ट कर दे, सोलर प्लेक्स पे, लीवर पे कनेक्ट कर, तो आदमी बैठ जाता है सामने, है ना। लेकिन बॉक्सिंग क्या है, उसकी उसने ग्लव्स की इतनी अच्छी खासी होती है कि पंच लगता है तो आदमी बैठता नहीं है, तो दोबारा लैंड करेंगे तिवारा, तो वो किस तरह से नॉकआउट करना, उसकी टेक्निक बॉक्सर को अच्छी खासी पता होती है उसको। और एक बात और, उसने जो है ना क्या बोलते हैं, एंथोनी डोसा ने सेकंड राउंड में जब नॉकआउट किया जी जी, तो उसने पहले नॉकआउट किया, फिर काउंटिंग हुई, अगेन जब उठ गया सेम पंच रिपीट की, उसको पता है अगर इसको कुछ सेकंड दे दिया हो तो रिकवर कर जाएगा और फिर वो जो है नॉकआउट नहीं होगा, वही क्या उसने यहाँ बिल्कुल, है ना। ठीक है, फिर भी यार चलो अच्छी बाउट हुई, अच्छा खेला है। लेकिन सर बॉक्सिंग के लिए मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है, क्योंकि सर देखो अगर एमएमए का फाइटर आके और क्या कहते हैं बॉक्सिंग के टॉप 3 बॉक्सर में से किसी को हरा रहा है, तो सर वो चीज सही है मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए भी। लेकिन यार एक बात है, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैंने ये देखा है जब से एमएमए आके बॉक्सिंग के साथ खड़ा हुआ है 2010 में, बॉक्सिंग ऊपर 2010 में जी, हाँ जब एमएमए आके खड़ा हुआ ना, अब बॉक्सिंग में हमें अच्छी अच्छी बाउट इसलिए मिल रही। पहले क्या होता था, जो चैंपियन खिलाड़ी है वो अच्छों से खेलता ही था, हमें अच्छी अच्छी बाउट बनने में कई साल लगते थे। आजकल देखो जिसका नाम बूम है तुरंत उससे बाउट लगा दे रहे हैं, तुरंत मैच मेकर उनको बिठा के उनके कॉम्प्रोमाइज करा दे रहे हैं, उनके बाद बन जा रही है बाउट हो रही है। तभी तो हमें देखो टाइसन फ्यूरी की बाउट मिली अभी एंथोनी जोशुआ के साथ, उसके साथ सॉरी फ्रांसिस इंगानो साथ मिली, फिर फ्रांसिस इंगानो की बाउट इससे मिली, मतलब नाम पर क्रेज था ना उसका। और अभी जो नेक्स्ट बाउट हो रही है हुसैन वर्सेस फ्यूरी, तो ये अच्छी अच्छी बाउट हुसैन वर्सेस फ्यूरी में जो जीतेगा वो जोशुआ से उसकी फाइट है। देखो टाइटल कंटेंशन में दोबारा, पहले ये बाउट बनने में ना कई साल लगते थे, लेकिन जब 2010 के बाद एमएमए साथ में आके खड़ा हुआ, उसके जो है बॉक्सिंग को कुल मिला के वो जो है बॉक्सिंग को क्या देने लगे, कॉम्पिटिशन देने लगे, बॉक्सिंग के साथ खड़ा हो गए, लोग जो है क्राउड की तरफ भागने लगे, तो अब अच्छी अच्छी बॉक्सरों की बाउट लगनी शुरू हो गई है और हमको अच्छी अच्छी बाउट देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से जो है मैं कहूंगा एमएमए ने ये काम कर दिया, वरना बोर हो रहे थे। जोशुआ के लिए हम खुश हैं यार, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, अगर बॉक्सिंग में बॉक्सर नहीं जीतेगा कोई एमएमए फाइटर आगे नहीं जाएगा, तो फिर मजा खराब हो जाएगा सर, वैल्यू डाउन हो जाएगी स्पोर्ट्स की सर। ठीक है। जोशुआ सर जिद करता था और ओलंपियन था, हमने सही बोला था ना, ओलंपियन है और सेटअप करके आएगा। और कहना आपका सर ये बात सही थी, आपने सही कही थी कल कि जब आपको हमें बताया कि फ्रांसिस के पास नॉकआउट पावर है तो जोशुआ को जरूर बता दी चीज। तो यार दोस्त एक बात और जी सर, इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे जैकपॉट और टाइसन की बाउट होने, उस पर बात करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। ओके थैंक यू।